हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिलानी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप मेरी ब्यूटीफुल से प्लेट देख के समझ सकते हैं कि आपने कुछ नया बनाया है आप लोगों के लिए। सॉरी, मैंने कुछ बनाया है नया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मैं इस प्लेट को घुमाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर ये अपने आप से घूमने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं स्लो मोशन में वीडियो शूट करना चाहती थी। देख सकते हैं मुझे कितना एफर्ट करना पड़ा था इसे घुमाने की। अगर मैं इसको तेज घुमाती तो ये प्लेट गिर जाती, क्योंकि इसके साथ मैंने चटनी भी जो रखी है। और मैं किचन के स्लैब पे ही शूट कर रही थी, इसलिए मुझे हाथों से घुमाना पड़ा, इसे सहारा देना पड़ा घूमने के लिए। तो फाइनली मेरा ये वीडियो बन गया। फिर उसके बाद मैं अपनी प्रोसेस शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है चुकंदर, जिसे मैं छील लिया है। धूल मैंने पहले लिया था एक्चुअली। फिर इसके साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ आज। फिर इसको ग्राइंड कर लिया है। फिर थोड़ा गाढ़ा था, मैंने दोबारा सा पानी डाल के कर लिया, पतला सा हो गया। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ कटोरी आटा। आप सोच रहे होंगे हमेशा मैं एक ही कटोरी आटा ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे जितना बनाना होता है उसमें सफिशियंट क्वान्टिटी है, इससे इतना सफिशियंट है। इसका थोड़ा पतला आटा बनाना है, इसलिए पानी एक साथ ना डालें, क्योंकि इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर मिक्स नहीं करोगे आप तो इसमें गाँठे बन जाएंगे अच्छे से, फिर बीट नहीं होगा ये। तो इस बैटर को अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पत्थर का पानी ऐड कर रही हूँ इसमें और इसको घुमाते जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लिया और मैंने कुछ डाला नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, चुकंदर है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें स्पाइसेस कम ऐड करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर दो ना तो उनका जो नेचुरल टेस्ट होता है वो नहीं आता है, फिर उस स्पाइसेस का टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए मैं इनमें थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ स्पाइसेस। मैंने कुछ खास नहीं डाला इसके, नमक, बाकी जो मैंने ग्राइंड किया था वो तो आपने देखा ही। मेरा तवा गर्म हो चुका था और अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा दिया था। अब मैं ढूंढ रही हूँ एक कटोरी जो ये मुझे मिल रही थी, फाइनली मिल गई और मैंने इसको। अच्छा, बहुत लोगों के पास एक स्पैचुला टाइप का मतलब होता है यूटेंसिल, उससे लोग स्प्रेड करते हैं, पर मुझसे नहीं होता, उससे फैल मतलब नहीं स्प्रेड कर पाती मैं इवेनली, इसलिए मैं कटोरी से मुझे इजी लगता है, मैं उसी से बनाती हूँ। मैं डोसा बनाऊँ तो भी, चीला बनाऊँ तो भी, और ये मैं बना रही हूँ ये भी। तो फिर आपको पता है बहुत ही हेल्दी है, और ये जो पक जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, तो आप सभी तो पता ही है, इतना तो हम लोग कुकिंग करते ही हैं, हमारी ज़िंदगी बनी है कुकिंग करने के लिए। फिर इस पर मैंने पनीर ग्रेट किया इसे और हेल्दी बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं इस पर सॉल्ट ज़रा सा डाला, फिर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और फिर थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूँगी थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। बहुत हल्का सा स्प्रिंकल किया, जैसे देख रहे होगे आप पनीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा इसे पकने देंगे। शायद आपको पता होगा जो ग्रीन वेजीज होती हैं ना, या तो जितना ज़्यादा इनको पका दो ना तो उनकी न्यूट्रिएंट्स जो उतने कम हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी कम हो जाती है, तो इसीलिए जैसे सॉटे वेजिटेबल्स होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो ये गर्म ही था तभी मैंने इसे कट कर लिया, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ा आसानी होता है। इसको पहले फ्रूट के मैंने अच्छे से सेक लिया और ऐसे ही मैंने बाकी के भी बना लिए। जल्दी में आप स्पीड देख सकते हो, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाई है, मैं घर वाले जानते हैं कि मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ, मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज़ रहती है। मैं हाँ बना लेती हूँ, एक्चुअली इसको पलटने में थोड़ा ध्यान रखना, अगर ज़रा से भी कच्चा होगा ना, अगर पका नहीं होगा तो वो पलटते टाइम टूट जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान रखना है इसका कि कब पलटना है हमें। ये देखिए मेरी रंग बिरंगी सी प्लेट तैयार हो गई है, कितनी सुंदर सुंदर फोटोज़ क्लिक करी मैंने, आप बताइए।